Dear students, welcome to the lecture series of organometallic compounds. इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट बॉन्डिंग इन ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस. ओलिफिनिक मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होता है, तो जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें मेटल लिगेंड के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग करता है. अगर आपको बॉन्डिंग समझ में आ गई थी मेटल कार्बोनिल्स की, तो यहाँ पर भी बहुत इजी है. आप यहाँ पर भी इस बॉन्डिंग को समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है यहाँ पर समझना, क्योंकि वो बॉन्डिंग का जो टाइप है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग होती थी. तो उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेके आपके साथ आएंगे कि जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने आपको थोड़ा सा कार्बोनिल्स का बताया था, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके उसका जो ओलिफिनिक एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उसका एग्जांपल लेके आपको पहले उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगी कैसे होता है, और फिर बताऊंगी कि किस तरीके से बॉन्डिंग उसमें होती है मेटल और ओलिफिन्स के बीच में. चीज सॉल्ट का एग्जांपल लेते हुए हम इसमें बॉन्डिंग देखेंगे मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस में. चीज सॉल्ट क्या है, पोटेशियम सॉल्ट है प्लेटिनम का. देखिए के PtCl3C2H4 और इस H2O भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है. तो मेन अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, PtCl3C2H4 और इसके ऊपर माइनस चार्ज. जी सॉल्ट इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, क्योंकि ये जो इथाइलिन जो मॉलिक्यूल है CH2CH2 ये प्लेटिनम के साथ कैसे बॉन्डेड होता है इसकी हम बात कर रहे हैं. एक्चुअली ये ओलिफिन है और ये मेटल है, तो मेटल और ओलिफिन के बीच में किस तरीके से बॉन्ड बनता है उसको हम इसके एग्जाम्पल से देखेंगे. अगर हम जीएस सॉल्ट का एग्जाम्पल देखें तो हम देखेंगे ये जो प्लेटिनम है ये इन लिगेंड्स के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है, और ये तीन सीएल जो है स्क्वायर प्लेनर में रहते हैं. ये तीनों देखिए प्लेनर में है, लेकिन ये जो CH2CH2 है ये क्या है, परपेंडिकुलरली है इस प्लेन के परपेंडिकुलर. कुछ स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखाना चाहूं तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी. देखिए ये है प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स और इसमें क्या है, ये देखिए ये प्लेटिनम है, ये तीन सीएल स्क्वायर प्लेनर पोजीशन पर है, और ये एक मैंने देखिए लगाई है CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो है परपेंडिकुलर है इस प्लेन के. ये देखिए ये इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर. ये सीधे नहीं रह सकता, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर रहेगा, समझ गए. तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना है, कई बार जी सॉल्ट के बारे में लिखने को आता है, और अगर आपको मेटल ओलिफिन की बॉन्डिंग के बारे में आता है तो आप इसी का एग्जांपल दे सकते हैं. जी सॉल्ट का आप एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें ये प्लेटिनम और ये क्लोरीन, तीन क्लोरीन एक प्लेन में है, जबकि ये जो इनके साथ जुड़ा हुआ है कौन जुड़ा है इनके साथ, ये CH2CH2, ये क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. मेरे ख्याल में आपको नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ऐसे ऐसे खड़ा रहेगा परपेंडिकुलर. जो हम इस ये तो टू डायमेंशनल इमेज है, ये थ्री डायमेंशनल इमेज मैंने बनाने की कोशिश करी है, तो ये इस तरीके से अरेंज होगा. अब अगर हम इस CH2CH2 को देखें तो अब आप देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ भी मैंने लिखी हुई है. देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लिखी है जो कि 1.375 लिखी हुई है, और ये सारी बॉन्ड लेंथ लिखी हुई है इसकी. अब अगर हम ये देखें जो CH2CH2 है इसमें इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं और ये किस तरीके का लिगेंड है, ये कैसे एक लिगेंड की तरह एक्ट करता है, तो उसको हम इजीली इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझ सकते हैं. एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये देखिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने इथाइलिन का. अगर हम इथाइलिन को देखें CH2CH2CH2, तो इसके पास आपको पता है कि दो पी ऑर्बिटल हैं जो कि पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये पी ऑर्बिटल है. दोनों पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें है एक इसमें है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं पाई पी ऑर्बिटल. ये पाई पी ऑर्बिटल होता है, जैसे आप बेंजीन में भी जानते हैं उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 पी ऑर्बिटल होंगे जो कि पाई बॉन्ड बनाएंगे. ऐसे ही इथाइलिन में भी दो पी ऑर्बिटल होंगे जो कि क्या बना सकते हैं, पाई बॉन्ड. ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल है. अब ये जो दो पी ऑर्बिटल हैं ये दोनों कंबाइन करते हैं, ये दोनों पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, कंबाइन कार्बन, इस कार्बन का पी ऑर्बिटल
और इस कार्बन का पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझिए, उसमें आपने देखा कि जब आप डायएटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ते थे तो आपने पढ़ा है कि 1s ऑर्बिटल एक एटम का और दूसरे का 1s ऑर्बिटल वो क्या करेंगे, लीनियरली कंबाइन होंगे और फिर दो ऑर्बिटल बनाएंगे नए, दो करेंगे कंबाइन तो दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे, एक होगा बॉन्डिंग एक होगा एंटी बॉन्डिंग। उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर भी ये दो पी ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो दो तरीके के ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ऑर्बिटल ये होगा और एक ऑर्बिटल ये होगा। ये जो ऑर्बिटल है इसको कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसमें जो ओवरलैपिंग है प्लस प्लस है, देखिए प्लस प्लस शेडेड पार्ट एक साइड है, प्लस प्लस ओवरलैपिंग हो रही है दोनों, और यहां पर जो ओवरलैपिंग है प्लस माइनस ओवरलैपिंग, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है प्लस माइनस हो रही है। यहां पर जो ऑर्बिटल अगर आप रिकॉल करेंगे पुरानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो आप ये देखेंगे यहां पर ऑर्बिटल कुछ ऐसे रिपेल हो जाते हैं इस तरीके से, ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनका और इनका कॉम्बिनेशन होना है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन होना है, ये प्लस पार्ट है वेव का, ये माइनस पार्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिपेल करते हैं और ये क्या बना देंगे, इसलिए इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हायर, इन दोनों की एनर्जी से इनकी एनर्जी हो जाएगी हायर, तो ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये पूरा, और ये क्या है बॉन्डिंग, क्योंकि यहां पर क्या है सेम जो साइन है वो एक साइन है। यहां पर इस तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर आपको याद आएगा तो ऐसा बन जाता है, जब दो पी ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो ऐसा पाई ऑर्बिटल बनता है कि ये तो पॉजिटिव पार्ट है इसका और ये क्या है नेगेटिव पार्ट, तो ये बना बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग। अब हम जानते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दो इलेक्ट्रॉन है। अब दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे, यहां जहां पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो, और दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एच ओ एम ओ, इसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सब अधिक है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है पूरे फील्ड है, और ये ऐसा ऑर्बिटल है जो कि इसको कहते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनऑक्यूपाइड इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन इसकी एनर्जी ऐसे ऑर्बिटल्स में सबसे कम होती है। अभी कई सालों में अभी आप देखेंगे इसके ऊपर भी ऑर्बिटल होते हैं, ब्यूटाडाइन होगा तो एक दो तीन चार, चार कार्बन एटम ओवरलैप करेंगे तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो यहां पर हम इसको क्या कहते हैं, वहां पर क्या होगा, चार इलेक्ट्रॉन दो यहां आएंगे और दो यहां आ जाएंगे, ठीक है, और दो एंटी बॉन्डिंग एक यहां होगा एक यहां होगा, तो ये जो ऑर्बिटल होगा वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड होगा, लोअर वाली एनर्जी जो कि अनऑक्यूपाइड है, और इसको कहते हैं एच ओ एम ओ, ये होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि जब किसी भी पाई बॉन्डिंग कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब बॉन्डिंग करता है तो वो बॉन्डिंग करने से पहले क्या कर रहा है, अपने जो उसके ऑर्बिटल्स हैं पी ऑर्बिटल्स वो कंबाइन करते हैं, वो कंबाइन करके दे कैन फॉर्म टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंड दीज बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स They are filled orbitals, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो खाली होता है, इट इज एम्प्टी, तो ये अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप अगेन देख सकते हैं, अब आप रिकॉल करिए कार्बोनिल को, कार्बोनिल के पास क्या था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली था, बिल्कुल उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर भी एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बिल्कुल देखिए उसी तरीके से, ये यहां पर तो फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक क्या है एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका मतलब है कि इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये दे देगा किसको, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो ये मेटल को देगा, ठीक है, और ये वाले ऑर्बिटल में ये मेटल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितना मजेदार देखिए बॉन्डिंग है, ये भरे हुए हैं
यहां से वो इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा और मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। उसके बाद ये मेटल जो है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक खाली जगह है, तो मेटल इसके इस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि इसके पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है। अब आप ये याद रखिए, ये तो है देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम इसकी बॉन्डिंग देखेंगे किस तरीके से इसमें बॉन्डिंग होती है। HOMO आपको याद हो गया, ये फील्ड आपको याद हो गया, फील्ड है एक ऑर्बिटल और एक फील्ड ऑर्बिटल क्या है, खाली है इसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरा है, तो भरे वाले से तो ये देगा और खाली वाले में ले लेगा। अब ये देखिए जो एल्कीन्स है वो कैसे, आपको पता चल गया दोनों तरीके के बॉन्ड बना सकता है एल्कीन, सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी बना सकता है। सिग्मा इसलिए बनाएगा क्योंकि वो अपने HOMO से, भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किसको, मेटल को। और पाई इसलिए बनाएगा बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल इन इट्स पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये कंसेप्ट किसका है, ये जो बॉन्डिंग का जो मॉडल है वो किसने दिया, दीवार, चैट एंड डंकिंसन। दीवार ने सबसे पहले सिल्वर के ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस पे काम किया कि इनमें कैसे बॉन्डिंग होती होगी, और चैट एंड डंकिंसन ने प्लेटिनम के ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस पे काम किया था। इसलिए ये जो मॉडल जो हम बता रहे हैं, जो मॉडल है जिसके थ्रू हम बॉन्डिंग समझाते हैं मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस की, उसको हम क्या कहते हैं, दीवार चैट मॉडल, दीवार एंड चैट का मॉडल कहलाता है, उसके थ्रू हम बॉन्डिंग समझ सकते हैं। ये देखिए प्लेटिनम के जी सॉल्ट की हम बात करें अगर, तो ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम का ये एक क्या है, पी ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है, सॉरी डी ऑर्बिटल, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इसकी और भी इसकी इस डी ऑर्बिटल को हम इस तरीके से दिखाएंगे, ये डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल, प्लेटिनम का वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये और ये इसका कौन सा ऑर्बिटल है, देखिए अगर आपको याद आ गया होगा तो ये इसका HOMO है। कैसा HOMO है, भरा हुआ, सबसे नीचे था ऑर्बिटल, तो ये कैसा ऑर्बिटल था इसका, फिल्ड ऑर्बिटल। फिर से आपको एक बार मैं दिखा दूं, ये देखिए, ये अगर आपको याद आया होगा तो ये HOMO है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए। ये वाला ऑर्बिटल कैसा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली है, ये देखिए, ठीक। तो ये जो ऑर्बिटल है ये फिल्ड HOMO है ओलिफिन का, और ये प्लेटिनम का एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो अब ये देखिए, ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये कैसा बॉन्ड बन रहा है, लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए दूसरा पोर्शन देखिए, ये जो ऑर्बिटल है ये ओलिफिन का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक लो पॉजिटिव इस साइड है, एक लो पॉजिटिव इस साइड है, ये क्या है, एम्प्टी LUMO, ये खाली वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये कौन सा ऑर्बिटल है प्लेटिनम का, ये फिल्ड डी ऑर्बिटल है प्लेटिनम का। तो ये देखिए साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में इससे इलेक्ट्रॉन इट कैन एक्सेप्ट, सो इट इज बैक बॉन्डिंग, दिस इज बैक बॉन्डिंग, सो इट इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, एंड दिस इज टाइप ऑफ मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग, सो दिस इज पाई बॉन्डिंग। सो ईच एंड एवरी ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इट विल फॉर्म पाई एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड विद द मेटल। इट इज नॉट ओनली द केस ऑफ ओलिफिन, दिस इज इथाइलिन इथीन, बट इट इज द केस ऑफ इथाइन ऑल्सो। एल्काइंस भी इसी तरीके से बॉन्डिंग करेंगे, जितने पाई बॉन्डेड लिगेंड्स होंगे, C5H5 एंड दिस एलाइल ग्रुप, बेंजीन, ये सभी इसी तरीके से बॉन्डिंग करेंगे कि अपने HOMO से इलेक्ट्रॉन देंगे मेटल को, और मेटल से अपने एंटी LUMO में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। सबकी बॉन्डिंग इसी तरीके, आप किसी की भी बॉन्डिंग समझा सकते हैं, आप एल्काइन की बॉन्डिंग समझा सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दी बॉन्डिंग थ्रू बेंजीन एज वेल एज थ्रू साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोहेप्टाडाइनाइल, आप किसी की भी बॉन्डिंग समझ सकते हैं। बहुत इजी मॉडल है, दीवार चैट का मॉडल है, और इसके अकॉर्डिंग जो ओलिफिन है वो अपने HOMO से इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल, एंड इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इन इट्स एम्प्टी LUMO, एंड दस इट कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। इनको हम कंबाइंड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने कहां पर दिखाया था, कार्बोनिल्स में, मेटल कार्बोनिल्स में भी हमने दिखाया था, तो अभी आपको दिखाती हूं।
ये देखिए कंबाइंड फॉर्म है। अगर हम इतने हिस्से को देखें, ये और ये और ये, सो दिस इज एच ओ एम ओ। यहां से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, देखिए ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये जो ऑर्बिटल है ये इसका फिल्ड ऑर्बिटल है प्लेटिनम का। और ये देखिए एक यहां है लोब, एक यहां पॉजिटिव लोब। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये इसका एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है, दिस इज एल यू एम ओ। तो ये एल यू एम ओ में इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहा है। तो इसको हम, ये जो इफेक्ट है आपको मैं कार्बोनिल्स में बताना भूल गई थी, कार्बोनिल्स में भी इसको हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं या कोऑपरेटिव सिग्मा पाई बॉन्डिंग। कोऑपरेटिव है ये, कोऑपरेशन कर रहे हैं एक दूसरे का। पहले ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सॉरी ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन वापस बैक बॉन्ड कर रहा है। तो ये जो बैक बॉन्डिंग है, जो पाई बॉन्डिंग होती है, ये क्या कहलाती है, सिनर्जिक इफेक्ट। एक्चुअली इन दोनों का मिला जुला रूप है सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। तो इस तरीके की बॉन्डिंग जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग हो रही हो इसको हम कहते हैं सिनर्जिक और कोऑपरेटिव सिग्मा पाई बॉन्डिंग। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करेंगे मेटल ऑलिफिन्स में। तो द फैक्टर्स मे बी द नेचर ऑफ मेटल और मे बी द नेचर ऑफ ऑलिफिन, ये दो ही चीजें हैं। तो जो फैक्टर जो इफेक्ट करेगी द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सी, वो फैक्टर्स होंगे मेटल एंड लिगेंड इटसेल्फ। देखिए पहले तो मैं आपको इसकी बॉन्डिंग समझाऊं। होता क्या है, जब मेटल और ऑलिफिन के बीच में बॉन्ड बनता है, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो हमने पढ़ लिया सिग्मा बॉन्डिंग होगी। फिर उसके बाद ये मेटल जो है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या दे देगा, पाई इलेक्ट्रॉन। तो जब ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये बैक बॉन्डिंग होती है, तो इससे क्या हो जाता है, देखिए ये वाला आप देख रहे हैं एक बॉन्ड ये बना और एक बॉन्ड ये बन गया, दिख तो नहीं रहा है बट ये एक तरीके का डबल बॉन्ड है, दिख नहीं रहा है लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्ड टाइप का बन गया है, सिग्मा बॉन्ड बना फिर पाई बन गया। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग हो गई एम और सी के बीच में। तो जैसे ही ये वाली बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, जैसे ये बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम इसके साथ बॉन्ड बनाने वाले हैं, इसलिए ये कमजोर पड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो जनरली कभी भी कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो कार्बोनिल के साथ ही क्यों ना हो, आप देखिए आप इसको रिकॉल करिए कि जब ये बॉन्ड बना था तो ये आपने देखा था ये कार्बोनिल इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड बन गया, तो कुछ बॉन्डिंग इस टाइप की आ गई। तो आप ये देखेंगे कि ये जो यहां पर कोई बॉन्ड नहीं था इनके बीच में, अब कैसा हो गया, डबल बॉन्ड स्ट्रांग हो गया इन दोनों के बीच का बॉन्ड। और यहां पर था ट्रिपल बॉन्ड जो कमजोर हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो ऐसा हर एक जगह पर होगा कि जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे मेटल और कार्बन, तो ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रांग हो जाएगा लेकिन ये जो दूसरा बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि इस बॉन्ड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, इसको कौन अफेक्ट करेंगे, एक तो ये मेटल इफेक्ट करेगा, दूसरा ये जो ग्रुप्स जुड़े होंगे दे विल अफेक्ट। कैसे करेंगे, देखिए अगर आपने कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ा होगा, जो ऑर्गेनिक कार्बोनिल्स होते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके के ग्रुप्स अटैच्ड हों, मान लीजिए यहां पर क्या है, ये CH3 ग्रुप है, अगर ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, तो ये इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आप अरेंज करते हैं कि ये इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड कैसा हो गया, देखिए डबल बॉन्ड था, कैसा हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो अगर ये इस तरीके के ग्रुप्स प्रेजेंट हो, वो डिपेंड करेगा कि कैसे ग्रुप है। अगर ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये करेक्टर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड करेक्टर। अब कोई ऐसा ग्रुप होता जो कि इसको, जैसे अगर हम इसमें जो है वो सीएल लगा देते तो वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता और यहां पर इसका जो करेक्टर है वो और इंक्रीज कर देता। तो ऐसे ही हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। देखिए पहले तो आप एक चीज समझ गए हैं कि मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है जैसे ही बनेगा तो ये तो बनेगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वीक। अब इसको कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे, तो अगर कोई ऐसा मेटल होगा, देखिए कौन कौन से फैक्टर है पहले हम देख लें फिर मैं आपको और समझाती हूं। ये देखिए अगर एक मेटल है जो कि लेस बेसिक है,
लेस बेसिक मतलब देखिए पीटी टू है, पीटी टू का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर जीरो है तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा बेसिक होगा, तो इसका मतलब ये तो बेसिक है और ये कम बेसिक है, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है देने के लिए, तो वो अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा, अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा, और जितनी बैक बॉन्डिंग करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, जो सी सिंगल बॉन्ड है वो कमजोर हो जाएगा। जितनी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड मजबूत होगा उतना ये वाला बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा, ये उतना ही लंबा हो जाएगा। फिर से देखिए आप यहां पर देखिए, ये एग्जांपल अगर आपने देखा होगा ये वाला, अगर एम सी के बीच का जो बॉन्ड है अगर वो बढ़ गया, अगर ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए किसी तरीके से, ये स्ट्रांग कैसे होगा, जितना ज्यादा ये बनेगा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, या तो ये मैटर के पास बहुत इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, और या फिर इसके ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज होगा तो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर ज्यादा होगी। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, मोर विल बी द बैक बॉन्डिंग, ज्यादा से ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, जितनी बैक बॉन्डिंग होगी उतना ये बॉन्ड मजबूत होगा, जितना ये वाला बॉन्ड मजबूत होगा उतना ये वाला बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा, ये जितना कमजोर होगा उतना लंबा होगा। समझ गए होंगे आप, मेटल का जो फैक्टर है वो ये फैक्टर है कि मेटल अगर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला मेटल है, उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा होंगे, या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, या इस पूरे मेटल जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, और उतना ही कमजोर किसको कर देगा, उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा जो जो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा वो प्लेटिनम और कार्बन के बीच में बनेगा, उतना वीक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो उतना ही लंबा होगा। इसीलिए अगर हम जी सॉल्ट में देखें तो यहां पर प्लेटिनम प्लेटिनम टू की फॉर्म में था, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको शुरू में मैंने दिखाई थी वो थी 1.375 एंगस्ट्रॉम, और जबकि फ्री सीसी की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 1.337, फ्री इथाइलिन में जो होती है, इथाइलिन में जो होती है वो, तो ये बहुत चेंज नहीं आया, जितनी फ्री में होती है उतनी ही बॉन्डेड में है, लगभग थोड़ी सी आप देख सकते हैं थोड़ी सी बढ़ गई है। तो ये बड़ी क्यों है, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग लेकिन कम होती है। अगर हम प्लेटिनम जीरो का कॉम्प्लेक्स लें तो प्लेटिनम जीरो के कॉम्प्लेक्स में ये जो लेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये लेंथ पे इफेक्ट डालता है कि कैसी, यानी अगर लेंथ सीसी की ज्यादा है तो इसका मतलब एमसी बॉन्ड मजबूत है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि इतनी मजबूत बॉन्डिंग हो जाती है कि ये देखिए कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, 1.43 एंगस्ट्रॉम, ये सिंगल बॉन्ड के बराबर हो गई, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.44 होती है, ये डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है लगभग, और ये कैसा हो गया, सिंगल बॉन्ड करेक्टर का हो गया, जिस पर डबल बॉन्ड करेक्टर था वो कैसा हो गया, सिंगल बॉन्ड, अगर प्लेटिनम जीरो हुआ इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे ये जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई, और लंबी हो गई, और ये इतनी लंबी हो जाती है कि ये बना देते हैं मेटला साइक्लोप्रोपेन, इसको भी हम देखेंगे व्हाट इज मेटला साइक्लोप्रोपेन, इतनी लंबी हो जाती है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है कार्बन में। ये देखिए ये टू एक्सट्रीम्स हैं, यहां पर ये लेस पाई बेसिक मेटल है, ये जो मेटल है ये कैसा है, जिसमें जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये बैक बॉन्डिंग कम करेगा इसके कंपेरिजन में, इट विल फॉर्म लेस पाई बॉन्डिंग एज कंपेयर टू दिस, ये कैसा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी ज्यादा बॉन्डिंग कर रहा है कि ये देखिए ये इसने बिल्कुल ऐसा बॉन्ड बना लिया, यहां पर तो बनाया नहीं है लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जो डबल बॉन्ड करेक्टर यहां था वो सिंगल बॉन्ड करेक्टर में कन्वर्ट हो गया,
और ये क्या बना दिया इसने, देखिए साइक्लोप्रोपेन होता, बस साइक्लोप्रोपेन में एक कार्बन को किसने रिप्लेस कर दिया है, मेटल ने, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया है, मेटला साइक्लोप्रोपेन। ये कब होगा, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये कार्बन जो है वो क्या है, एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन एटम कैसा हो गया है, एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गया, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग बॉन्ड बन गया इनके और इनके बीच में, ये बहुत लंबा हो गया, ये वीक हो गया, वो इतना वीक हो गया कि डबल बॉन्ड से इसमें करेक्टरिस्टिक कैसी आ गई, सिंगल बॉन्ड। तो इसको कौन इफेक्ट कर रहा है, इसको इफेक्ट कर रहा है मेटल कैसा है। अब यहां पर एक आप नई टर्मिनोलॉजी देख रहे होंगे, मैंने लिखा है यहां पर एल और यहां पर लिखा है एक्स टू, तो एक्चुअली ये लिगेंड्स को क्लासिफाई करने का तरीका भी है। कैसे है आपको मैं बता रही हूं, ये लिगेंड का एक नई तरीके का क्लासिफिकेशन है, L means न्यूट्रल लिगेंड, डोनेट टू इलेक्ट्रॉन, L अगर कहीं पे लिखा है इसका मतलब ये टू इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, यानी एक ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से देता है, और अगर X कहीं पे हमने लिखा है तो इसका मतलब वो वन इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये न्यूट्रल हो सकते हैं या ये एनायनिक लिगेंड हो सकते हैं। अब देखिए कैसे हम नेमिंग करते हैं इनकी, ये देखिए इस तरीके से भी हम इनको लिख सकते हैं, जैसे CH2 है, इसको हमने L लिखा है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल को देखें, यहां पर ये क्या कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से दे सकता है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से दे सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं L2 टाइप। ऐसी बेंजीन है, इसको L3 टाइप, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो ये L3 टाइप लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है। ये मिथाइल है और ये मिथाइल ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये एक्स टाइप है, जो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं एक्स टाइप है, जो दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं एल टाइप है। अगर हम एलाइल ग्रुप को देखें तो ये देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से दे सकता है, तो ये एल एक्स टाइप है, दो इलेक्ट्रॉन वन थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन यहां से दो इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये एल टू एक्स टाइप है। तो ऐसे ही हम मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस में भी शो कर सकते हैं। इस केस में हमने दिखाया है कि ये जो ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ये टू इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन यहां पे दिस कार्बन इज वन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड दिस कार्बन इज वन इलेक्ट्रॉन डोनर, सो एक्स एंड एक्स, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स टू। ओके, तो मेटल कैसे इफेक्ट कर रहा है, अगर मेटल के पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं करेगा, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बैक बॉन्डिंग अच्छी करेगा, इतनी अच्छी करेगा कि ये सिंगल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक आ जाएगी इसमें। दूसरा जो फैक्टर है जो इसकी बॉन्ड को इफेक्ट करता है, एमसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, वो है लिगेंड। अगर लिगेंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, अगर लिगेंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तो लिगेंड क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और वो एमसी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन हम इस एग्जाम्पल के साथ जाते हैं, अगर ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं यहां पर, अगर ये H ना होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए F लगा दिया हमने, ठीक है, तो ये जो इसके पास एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा था। अब अगर इसके साथ ऐसे ग्रुप जुड़ जाएं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये और अट्रैक्ट होंगे, ये ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये मेटल से और आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना खींचेगा उतना स्ट्रांग मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, और जितना स्ट्रांग मेटल कार्बन बॉन्ड होगा उतना वीक सीसी बॉन्ड होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन दिस ओलिफिन विल इंक्रीज द बैक बॉन्डिंग, वो बैक बॉन्डिंग को इंक्रीज करेंगे, एंड इंक्रीज इन बैक बॉन्डिंग विल इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन एम एंड सी, एंड इफ दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज दिस बॉन्ड लेंथ विल बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज और बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें फिनोमिना होता है और मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस में, इस बैक बॉन्डिंग की वजह से, और जहां पर कम बॉन्डिंग होती, कम पाई बॉन्डिंग होती है, वहां पर तो एक स्पेशल फिनोमिना होता है। जहां पर ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती वहां पर नहीं, जहां पर लेस पाई बॉन्डिंग होगी वहां पर बड़ा स्पेशल एक फिनोमिना होगा। तो जैसे ये है, ये मेटल, मान लीजिए ये मेटल ऐसा मेटल है जो कि कैसा है,
जिसकी जो लेस बेसिक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो ये इतना अच्छा बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये यहां वापस इलेक्ट्रॉन देगा तो, पर इतना नहीं देगा जितना कि एक ऐसा मेटल दे सकता है जो ज्यादा बेसिक होगा। सो इट इज लेस बेसिक। इफ इट इज लेस बेसिक देन ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इथाइलिन से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इट विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम, बिकॉज रिवर्स इज नॉट मच एज कंपेयर टू द मेटलोसाइक्लोप्रोपेन्स। ओके, सो दिस कार्बन विल बी स्लाइटली मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू द साइक्लोमेटलोप्रोपेन्स। साइक्लोमेटलोप्रोपेन में क्या होगा कि वहां पर साइक्लोमेटलोप्रोपेन बना क्यों, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग अच्छी कर रहा था, ये बैक बॉन्डिंग अच्छी कर रहा था, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये उतने पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन इसके केस में ये दे बिकम पॉजिटिव। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कार्बन बिकम पॉजिटिव। सो इफ दे बिकम पॉजिटिव देन दीज कार्बन्स विल बी मोर ससेप्टेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अगर आप फ्री एल्कीन की बात सोचेंगे तो फ्री एल्कीन्स आर मोर ससेप्टेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। जो सिंपल एल्कीन्स होती हैं दे आर ससेप्टेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, बट इन केस ऑफ मेटल एल्कीन्स, मेटल एल्कीन्स जहां पर पाई बॉन्ड वीक होगा, जैसे पैलेडियम है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बहुत बेसिक मेटल नहीं है, इस केस में, इन दिस केस जो कार्बन होगा इट विल बी मोर पॉजिटिव। ओके, जबकि इस केस में ये क्या हो जाती है, जब रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, यहां पर ये ससेप्टेबल हो गई फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, चेंज इन दिस केमिकल बिहेवियर ऑफ एल्कीन कार्बन इज नोन एज अम्पोलंग। इसको क्या कहते हैं, अम्पोलंग कहते हैं। ये जो बिहेवियर था कार्बन का बिहेवियर क्यों बदल गया, क्योंकि कार्बन ने मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाया है, अगर मेटल ऐसा है, अगर पाई बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं है, इफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग देन क्या होगा, फिर जो है वो कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज की वजह से इट बिकम्स ससेप्टेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से ये इसका जो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो बदल गई। इस बदले हुए व्यवहार को, ये बदले हुए करैक्टर को, चेंजिंग केमिकल करैक्टर को क्या कहते हैं, अम्पोलंग कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग इन ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस। ये सब है बॉन्डिंग ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से होती है, कैसे सिग्मा पाई बॉन्ड बनता है। बीएससी के बच्चे जो हैं वो केवल उसको दीवार एंड चार्ट मॉडल को दिखाकर और इसके जो जीएस सॉल्ट है उसके एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि किस तरीके से सिग्मा पाई बॉन्डिंग होती है। और कोई इंटरेस्टेड हो तो दे कैन ऑल्सो गिव द फैक्टर्स, कौन से अफेक्ट कर सकते हैं इस स्ट्रेंथ को, मेटल कार्बन बॉन्ड के स्ट्रेंथ को या कार्बन कार्बन बॉन्ड के स्ट्रेंथ को। और मेरे ख्याल में आपको ये आ गया होगा कि किस तरीके से मेटल ओलिफिन के बीच में, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, और यही बॉन्डिंग आपको कोई भी कहे कि भाई एल्काइन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग बताइए, यही मॉडल आप बताइए, बस वहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है। ऐसे ही अगर आपको कहता है बेंजीन के साथ दिखाई, बिल्कुल इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को समझने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें यह पता चलता है कि कितने उसके पास खाली ऑर्बिटल हैं, कितने उसके पास भरे हुए ऑर्बिटल हैं, लिगेंड के बारे में जानकारी हमें पता चल जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि अरे लिगेंड के पास खाली जगह है तो इट कैन बैक बॉन्ड, ये बैक बॉन्ड कर सकता है और पाई बॉन्ड भी बना सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बॉन्डिंग इजीली, कोशिश करी मैंने कि आपको इजी वे में ये समझ में आ जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।